एक लड़की जो कि हमल से अगर उसका शौहर उसे तलाक दे दे तो उसको तलाक होगी या नहीं, ये हमारे माशरे में बहुत गलत फहमी मशहूर है। और वो क्या लोग समझते हैं हालत हमल में तलाक नहीं होती, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमल में तलाक हो जाती है, शरण वाक्य हो जाती है। हमल तलाक को वाक्य करने से रोकता तो नहीं है, तलाक तो फिर भी पड़ जाएगी। प्रेगनेंसी तलाक को पड़ने से नहीं रोकती है, लिहाजा हालत हमल में और प्रेगनेंसी की हालत में भी तलाक हो जाती है। पता नहीं कैसे मशहूर कर दिया गया और क्यों मशहूर कर दिया गया। हाँ एक और बात जरूर है कि प्रेगनेंसी की हालत में तलाक देनी नहीं चाहिए, तलाक देनी चाहिए तोहर की हालत में, पाकी की हालत में, यानी जब वो बच्चे वगैरह से फारिग हो जाए और मेंसिस की भी हालत ना हो, पाकी की जो हालत चल रही होती है उसमें तलाक देना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रेगनेंसी की हालत के दौरान में तलाक देता है तो शरण तलाक वाकई हो जाएगी, और तलाक वाकई न होने की जो बात मशहूर है ये शरीय एतबार से बिल्कुल गलत।